शहर के लोगों ने अपने आसपास के गांवों में भी अच्छी बारिश की कामना के लिए रविवार को घाटी वाले बालाजी के स्थान पर सामूहिक भोज का आयोजन किया। इसमें सभी समाजों के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि उनके गांव में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिससे बिसलपुर बांध सहित शहर के कई तालाब और बांध जलमग्न हो चुके हैं। इसी खुशी के चलते बालाजी के स्थान पर सामूहिक भोज का आयोजन किया। इसमें सभी वर्ग के समाज के लोगों ने भाग लिया। आज घाटी वाले बालाजी पे भक्त लोगों की कृपा, भक्तजनों की मांग पूरी होने से बिसलपुर छलकने का प्रोग्राम आज दाल बाटी चूरमा की रसोई ब्राह्मणों ने भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और घाटी वाले बाबा की बड़ी मेहरबानी है। जी जी, हमने यहाँ पे 1.5-2 महीने पहले अखंड रामायण पाठ का उद्घाटन किया था। उसके बाद हमने हवन वगैरह किया था। उस टाइम हमने ये मन्नत मांगी थी बाबा बालाजी से कि हमारे बिसलपुर और जो अजमेर के अन्य तालाब है वो छलकेंगे, तो हम यहाँ पे ब्राह्मण भोजन और प्रसादी करेंगे। आज वो हमारा ये सफल हुआ कार्यक्रम, तो आज हमने ब्राह्मण भोजन और प्रसादी वगैरह यहाँ घाटी वाले बालाजी पे कराई है। क्या बनाया प्रसादी? प्रसादी में दाल बाटी चूरमा और कढ़ी चावल, पकौड़े, मिठाई, ये सब भगवान को भोग लगाया था। भगवान के भोग लगा के फिर हमारे गुरु जी है, इनके यहाँ करा के फिर उसके बाद बाकी के ब्राह्मणों को जिमाया गया और उसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।